फ्रेंड्स किस काम के? ओह नो शिट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बैकग्राउंड देखे तो आपको पता ही है कि मैं किसके घर पे हूँ। एंड आज है काजल की मेहंदी एंड वी आर बैक अगेन फॉर अ मेहंदी, क्योंकि पहले भी मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले वाली चीज सारी रिपीट हो रही है, पहली वाली मेहंदी ऐसे लग रहा है। सो मैं हैविंग दिस समोसा, यू वर आल्सो हैविंग समोसा बुक्कड़। द ब्राइड इज हियर, हाय, सेट फॉर अ मेहंदी और बिजी है फोन पे। अभी जस्ट काजल को पता चला कि उसे बैठना है 3 या फिर 4 घंटे, मुझे तो लगता है 5-6 घंटे लगेगा और लगना भी चाहिए ताकि मतलब तू मुंह बंद करके यहाँ पे शांति से बैठ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, जितना देर मुझे बैठना पड़ेगा उतना देर तुझे भी मेरे बाजू में बैठना पड़ेगा। नहीं मैं तो भाग जाऊंगी, मैं तो भाग भी सकती हूँ। तो मुझे ये गुलाब जामुन अभी आंटी ने दिया है काजल को खिलाने के लिए। फ्रेंड्स किस काम के? ओ नो शिट, ये बहुत बुरा था, ये बहुत बुरा। आंटी गलत मलीचे हाथ दिले तुम्हें, चलता है अभी खा। अभी 1.5-2 घंटे बाद काजल को मिला है ब्रेक। अभी तू अपने खुद के हाथ से जो भी काम करना है वो कर, ठीक है? अभी तो सूख गया है, मैं भी एक हाथ से मारूंगी, अभी लगाऊंगी ना, रुक अभी मेरा ही चांस है, अभी मैं लगाऊंगी तो छापा आ जाएगा, तो मस्त लगेगा। मेकअप की भी जरूरत नहीं लगेगी शादी के वाले दिन, तो मस्त छापा आ जाएगा ना। हाँ चलेगा, दुल्हन तो मेरी दोस्त तो है, मैं तो दुल्हन तो दुल्हन बनी भले बन तू दुल्हन भले बनी है लेकिन मेरे लिए तो पागली है ना। नाउ इट्स माई टर्न और मैं बैठी हूँ अभी मेहंदी निकलवाने। एंड ऑल्सो हैट्स ऑफ टू ऑल द मेहंदी आर्टिस्ट जो इतना मतलब पेशेंटली अपना काम करते हैं, बिकॉज ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा पेशेंस लगते हैं। और अगर मैं किसी की मेहंदी ऐसे करवाने जाऊँ तो मैं तो कुछ भी करके आ जाऊँगी। और अगर किसी के ऊपर मुझे ये काम मिल भी गया कि मेहंदी बनवाने का, तो स्टार्टिंग में तो अच्छा बना लूँ और बाद में तो मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा मेहंदी में। भाभी का देख के वहाँ से हंस रही है, रिलेट कर रही है शायद। मेहंदी निकालना तो है ही डिफिकल्ट टास्क, लेकिन शांति से बैठना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। नहीं मेरे लिए पर हां, जो तेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है शांति से बैठना। कहां कहां कुछ भी हो रही है ठीक। हां ऐसे बोलने के बाद होती है। हां यार ऐसे बाल याद दिलाता है, बाल बाल मुंह पे आता है। अभी तू जैसे बोला मुझे ऐसे होने लगे है ना, तभी तो बोल रही हूँ ना, शांति से बैठना इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क। मैंने मेरी मेहंदी वॉश कर ली क्योंकि मुझे भरोसा है राज पे ही रंग जाएगी, और अभी तक तो कलर नहीं आया लेकिन बाद में आ जाएगा, आई नो इट, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही जल्दी धो लिया था एंड देन उसके बाद कलर आया था बिकॉज ऑफ राज, तो ये टाइम भी आएगा। मैं मिली हूँ इतने दिनों बाद आशिमा से, आशिमा इज हियर एंड कितनी क्यूट मेहंदी बनाई है। हाँ क्या हो गया, क्यों चाय गिरा दी मेरे पैर पे? अच्छा चाय गिर गई, ठीक है ना, चाय मेहंदी के साथ मिक्स होगी ना तो चाय मस्त कलर आएगा, चाय मस्त कलर आएगा कि मेहंदी को मस्त कलर आएगा चाय वाला। नहीं कुछ मेरे को छोड़ यार, मुझे नहीं समझा मैंने क्या बोला, कुछ ही बोला तो इसलिए छोड़। ये लगाने से मेहंदी का कलर ज्यादा आता है, लेकिन ये सब मिथ है, रियलिटी तो यही, अगर विकी प्यार करता होगा तभी कलर आएगा वरना नहीं आएगा। कलर तो आएगा तो प्यार करता होगा तब आएगा, ये अपन ऐसे ही कर रहे हैं टाइम पास। जो ये करेगी और ये फॉलो करेगी कर, उसकी मैंने इसी कर लिया, मेरा ये स्टेप है ठीक है। कुछ कॉमेडी पता ना उसे, तू क्यों अच्छा वाला दे रही है, चल मैं तो कॉमेडी देता हूं। पहले देखो एक टांग टांग पे खड़ा होना है, टांग दी रख आप पकड़ इधर, कितने कॉमेडी लग रहे हो पता तुम लोग इस आउटफिट में। हाय रुक ना, मैं तेरी भी उड़ूंगी, तू मेरी टांग पकड़ जल्दी, ये बहुत तगड़ा स्टेप है, अपनी तो दे ऊपर नहीं आ रही, हाई हाई डिफरेंस, घूम जा घूम, कितने अच्छे लगते हैं तेरी टांग वैसे होती, हाइट नहीं आ रही। फिर से आ गया तू, क्या पूछने? मेरा नाम लिखा है? नहीं लिखा, नहीं लिखा है क्यों?
नहीं वो तो शादी में लिखना होता है राज, तो हमेशा लिखना है। जब मेरा एक काम कर, तू मेरे नाम का टैटू बना दे, ठीक है, परमानेंट। हाँ ठीक है चल, तुझे भी बनाना पड़ेगा फिर तो। मॉल क्योंकि हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो अभी राज, सौम्या और आशिमा हम सब जा रहे हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे और सारे बैग्स भी लेके चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि काजल के घर पे एकदम शादी वाला माहौल है, तो हमें उनकी उसकी मम्मी को ज्यादा परेशान नहीं करना है, इसलिए हम लोग एयरबीएनबी लेके अभी चारों भी लोग रहने वाले एयरबीएनबी में। तो पहले शॉपिंग करेंगे एंड देन फिर उधर जाएंगे बैग्स रखने। और आज डॉल मुझे वैलेंटाइन का गिफ्ट देने वाली है। नहीं, हाँ, आपको किसने बोला बबलू? हाँ, नो, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। वैलेंटाइन का भी देने वाली है, मुझे राज देने वाला है। तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, तुम दोनों सिंगल हो, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। कैमरा बाय में मेरे मैडम के लिए दरवाजा। मैडम मैंने आपके लिए दरवाजा खोला यार। अभी मुझसे गिफ्ट मांग रही है, ये तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सौम्या बर्थडे पे वैलेंटाइन वगैरह तेरे साथ मुझे नहीं मनाना है, मेरा ऑलरेडी वैलेंटाइन है। बर्थडे पे मिलेगा, बाय। तो आशिमा मैंने सो के अंदर ये बोल के गई है कि रुको भैया हमारा सामान रह गया, जबकि सामान वामान कुछ नहीं रहा है। और मैंने ये वाला किचन लुक ना दिखाने दे, ये मैंने ये वाला किचन लिया ना, तो उसको भी सेम ऐसा किचन चाहिए था, तो ये बोल के कि रुको भैया मेरा सामान अभी आ गई, दिखा कौन सा वाला लिया। हाँ क्यूट, ट्विनिंग करेंगे। मैंने भी मेरी गाड़ी के लिए ये लिया और राज की कार के लिए मैंने ये लिया है। अभी गाड़ी में बैठे बैठे आई वाज जस्ट एडिटिंग दिस व्लॉग एंड आई रियलाइज कि मैंने वो व्लॉग अभी तक एंड ही नहीं किया है, बिकॉज इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा हॉश पॉश चल रहा था। लाइक माय फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड एंड आई हैव टू हेल्प हर इन अदर थिंग एज वेल, तो मैं ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। तो ये वाले व्लॉग के लिए आई एम सो सॉरी कि मैंने ऐसे व्लॉग एकदम ज्यादा कम किया है, एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा कम किया है। तो आई एंड दिस व्लॉग हियर, सो इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।